भारत एक क्रिकेट प्रेमी देश रहा है। जितना प्यार लोगों ने क्रिकेट और क्रिकेटर्स को दिया है, किसी और खेल को नहीं दिया। और क्रिकेटर्स से प्यार हो भी क्यों ना, जितने बड़े लेजेंड्स हमारे क्रिकेट टीम में हुए हैं, शायद ही कहीं और हुए हो। जैसे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, दुनिया के सबसे बेस्ट कप्तान MS धोनी, किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, रोहित की हिटिंग की बात कर लो या दादा की दादागिरी, या फिर युवराज के 6 छक्कों की बात करो, ना जाने कितने ही एक से बढ़ के एक क्रिकेटर्स हैं हमारे यहाँ। आज लेकिन हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, वो दुनिया के 3 टॉप के बैट्समैन जिनके नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है तीनों में सबसे बेस्ट, किसको कितना समय लगा ये मुकाम हासिल करने में और क्या रहा उन प्लेयर्स का स्ट्रगल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 16 मार्च 2012 वो दिन था जब सचिन ने एशिया कप के एक मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए शेरे बंगाल स्टेडियम मीरपुर में सैकड़ा जड़कर एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दरअसल वनडे क्रिकेट में सचिन का ही 49वां शतक था और टेस्ट क्रिकेट में वो 51 शतक पहले ही लगा चुके थे। इस तरह मास्टर ब्लास्टर ने शतकों का शतक पूरा किया। भारत रत्न से सम्मानित सचिन का यह कीर्तिमान रचने वाला दुनिया के अकेले बल्लेबाज है। इस मुकाम पर उनसे पहले कोई नहीं पहुंचा था। साथ ही यह रिकॉर्ड अब तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम ही दर्ज है। आज तक भी दुनिया का कोई बल्लेबाज इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया। सचिन ने इस शतक के लिए पूरे 1 साल 4 दिन तक इंतजार किया था। अपने करियर में किसी भी शतक के लिए उन्हें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा था। इससे पहले वो एक बार 315 दिन तक शतक नहीं लगा पाए थे, लेकिन 99वें और 100वें शतक तक पहुंचने का इंतजार क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया था और इसीलिए स्टार क्रिकेटर ने इसे अपनी सभी शतकों में मुश्किल शतक करार दिया था। एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ 16 मार्च 2012 को ढाका में तेंदुलकर के बल्ले से वो पारी निकली जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। तेंदुलकर ने 114 रन बनाए थे, जिससे इस बल्लेबाज के साथ क्रिकेट प्रेमियों ने भी राहत की सांस ली थी। जहां तक बात करें रिकी पोंटिंग की, तो क्या प्लेयर और कैप्टन है ये। रिकी पोंटिंग में एक ठेठ ऑस्ट्रेलियाई के सभी गुण थे। नाखून की तरह सख्त, आक्रमण मुखर और सबसे बढ़कर दबाव की स्थितियों में निपटने के लिए मानसिक रूप से शक्तिशाली। पोंटिंग के बारे में सबसे अच्छी गुणवत्ता मैच जीतने की उनकी ज्वलंत इच्छा थी और कई बार हताश ने कुख्यात घटनाओं को जन्म दिया, लेकिन उनके करियर के माध्यम से जो चमका वो विजयी होने की सरासर इच्छा थी। कप्तान के रूप में लगातार 2 सहित 3 विश्व कप खिताब और कुछ चैंपियंस ट्रॉफी खिताब और नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग से पता चलता है कि उन्होंने ये सब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखा था। यह सब जोड़ना निश्चित रूप से एक बल्लेबाज के रूप में उनका फ्री व्हीलिंग स्ट्रोक प्ले था। इच्छा शक्ति पर रन बनाना और विपक्षी गेंदबाजों को नष्ट करना एकमात्र खिताब जो उनसे दूर था वो वर्ल्ड कप T20 था। लेकिन कोई यह तर्क दे सकता है कि ये प्रारूप उस समय आया जब पोंटिंग अपने अंतिम वर्षों में थे। रिकी पोंटिंग ने 168 टेस्ट मैच में 13,000 से अधिक रन बनाए। जहां तक बात करें वनडे इंटरनेशनल की, तो 375 में 13,000 से अधिक रन लगाए। अपने 20 साल के करियर में उन्होंने 71 सेंचुरीज लगाए, जिससे वो अभी तक सचिन के बाद दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे। लेकिन हाल ही में उनका ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है विराट कोहली के द्वारा और अपना दूसरा स्थान उन्होंने बना लिया है। बात करें अपने किंग कोहली की, तो इनका कोई जवाब ही नहीं। किसी भी फॉर्म में ये दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में विराट कोहली ने अपना 72वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ पिछले 2 मैचों में फ्लॉप रहे विराट कोहली इस मैच में शानदार लय में दिखाई दिए। इस मैच में किंग कोहली ने अपने अंदाज में शतक पूरा किया। उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपने शतक को अंजाम तक पहुंचाया। कोहली ने इस मैच में 91 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले। उनके बल्ले इस साल यह दूसरा शतक निकला है। वनडे क्रिकेट में 1214 दिनों बाद कोहली के बल्ले की शतक निकला है। इस मैच में उन्होंने 39वें ओवर की 4थी गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज इबादत हुसैन की गेंद पर छक्का जड़ा। बाउंड्री लगातार शतक पूरा करना किंग कोहली का पुराना अंदाज है। इससे पहले 2022 में एशिया कप में भी उन्होंने छक्का लगाकर अपना 71वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। इससे पहले उन्होंने 1019 दिन बाद अपना अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। अब वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने करीब 3.5 साल बाद शतक जड़ा है।
अपने 72वें शतक के साथ कोहली दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन चुके हैं। आशा है कि वो अपने फॉर्म में बराबर रहे और सचिन का कोई 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़े तो वो किंग कोहली ही तोड़े, क्योंकि एक बार सचिन ने खुद कहा था कि विराट के अंदर वो जज्बा है कि वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।